अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक हो? आज हम पका रहे हैं लौकी। लौकी मैंने टमाटर जो ये 5-6 टमाटर मैंने जग में ग्राइंड करके पानी में डाला हुआ है। फिर उसके बाद मैंने लौकी डाल दी है और ये मैंने जो है लहसुन और हरी मिर्च का मैंने तड़का लगाया हुआ है। अब मैं इसमें डालूँगी लौकी में और इसको इसमें डाल के फिर इसको करूँगी पकाऊँगी लौकी को। इसमें तड़का मैं डालूँगी माने रही, फिर मैं इसमें डालूँगी, फिर इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के फिर इसको ऐसे करके फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी और फिर मैं इसको इसमें डालूँगी। फिर उसके बाद मैं इसमें डालूँगी मसाले। मसाले जो है मेरे सारे मिक्स किए हुए, हल्दी है, धनिया है और दालचीनी और ये सारे नमक मैंने सारे मिक्स किए और मैं डाल रही हूँ इसमें। इसमें डायरे माने रही। अब मैं इसको चमचा चला के सारे मैंने मसाले डाल दिए हैं और इसके बाद लहसुन और हरी मिर्च का तड़का भी मैंने लगा दिया। अब मैं इसको लौकी भी मैंने मिक्स पानी में सारी गल गई है ये देखिए। अब इसको मैंने नमक नहीं डाला, अभी मैं नमक भी डालूँगी थोड़ा सा और ये मैं नमक डाल रही हूँ। मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है और इसके बाद इसको मैं ढक्कन देके दम पे रखूँगी। फिर इसके बाद मैं इसका बनाऊंगी शोरबा। शोरबे वाली लौकी है ये सालन और मैं बनाऊंगी। और ये ढक्कन है, मैं अभी इसको लगा रही हूँ। ढक्कन रोक के दो, ढक्कन रोक के दो। ढक्कन मैं इसको लगा रही हूँ अभी इसको। और ये सारी लौकी अभी गली नहीं, कच्ची थोड़ी सी है, इसको अभी मैं पकाऊंगी इसको और फिर पका के फिर इसमें मैं डालूंगी। थोड़ी सी गल जाए तो फिर इसमें डालूंगी मैं पानी शोरबे के लिए। तो मैंने ये ढक्कन लगा के डाल दी, इसमें ढक्कन लगा दिए और अब मैं इसमें पानी डालूंगी शोरबा। आप लोग की मर्ज़ी है, अगर आप शोरबा बनाना चाहते हैं या वैसे खाना चाहते हैं। हम लोग शोरबा में पकाऊंगी, पानी डालूंगी इसमें। अगर आप लोग मेरी वीडियो अच्छी लगती है मेरी वीडियो को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें।